आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली एक बहुत ही महान शख्सियत, एक बहुत ही खास खातून हमारे साथ मौजूद हैं जी, ज़बीना अब्बासी। और ज़बीना अब्बासी जो है, इन्होंने अभी कश्मीरी कम्युनिटी ने एक फोरम बनाया जी, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फोरम, उसमें ये भी शामिल है। आज हम इनसे पूछेंगे कि क्योंकि हमारी खवातीन जो है वो सोशलिज्म से थोड़ा सा घबराती हैं, अक्सर जो है वो कोई जॉब वगैरह कर रही है, लेकिन सोशलिज्म जो है ये क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। तो मैडम, क्या ऐसी सूरत हाल हुई कि आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आई हैं, और आप आने की क्या वजह है बताइएगा? प्रोग्राम में आने की वजह तो ये है कि मैं पहले भी एक दफा बता चुकी हूँ, अभी फिर आपको बताती हूँ कि औरतों के मसाइल हल करने वाला ये लड़कों के तो बहुत हैं, करते हैं सारा कुछ, तो मैंने लेडीज को प्लेटफॉर्म में जमा किया जो कश्मीरी है, तो ताकि उनको एक जगह जमा किया जाए, उनके मसले सुने जाए, उनके हल का। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जो भी एक खातून हैं, आप खवातीन के पास गई हैं और खवातीन से मसाइल भी आपने डिस्कस किए हैं, क्या रिस्पांस है खवातीन का? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने दो दिन पहले चक्की रोड पे प्रोग्राम किया, उसमें 400 लेडीज थी अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी मैं गुलजारे कायद में हूँ, राहुल बिंदी इस्लामाबाद में जो खवातीन, उनके बहुत सारे मसाइल है, किसी का जॉब का मसला है, किसी का दाखिले का मसला है, किसी के मतलब सौ मसाइल है, तो उनके हल के लिए आप आगे ये जो कोशिश है इसको जारी रखेंगे? जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फोरम में आप शामिल हुई हैं, किस मतलब आपका ओहदा क्या है? में क्या रखा है? काम होना चाहिए, और काम जो है वो अब्बासी साहिबा और फिर अब्बासी हो तो काम ना करे, ये तो हो नहीं सकता ना। अच्छा मैडम, ये बताइएगा क्योंकि अभी तो काम शुरू हुआ है, हमारे क्योंकि व्यूवर्स अक्सर हमारे चैनल को देखते भी हैं, आपको भी इस वक्त बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, अभी क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फोरम ने हर मोहल्ले में, हर सेक्टर में, हर इलाके में छोटी छोटी बॉडीज बनाना शुरू की हैं, जैसे आज आप यहाँ चकलाला में हैं तो आपने एक बॉडी बनाई है, इसी तरह बाकी इलाकों में भी जाएंगे, तो कैसे लोगों को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे लोग, कैसे इसमें शामिल? बस देखते हैं, अब जाएंगे, लेडीज से मिलेंगे, घर घर भी मुझे जाना पड़ा, मैं जाऊंगी, और चक्री रोड पे तो हम घर घर जाके भी मैंने लेडीज को इस प्लेटफॉर्म पे जमा किया है, और अभी हमें दुनिया के किसी कोने में भी जाना पड़ा तो इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। नाज़रीन, ज़बीना अब्बासी हमारे साथ आज मेहमान थी जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फोरम में, इनका ये कहना है कि मुझे अगर एक एक घर में जाना पड़ा तो तब मैं जाऊंगी, और लोगों को एक जगह इकट्ठा करना है, मसाइल को हल करना है, और आज उन्होंने दूसरी बड़ी अच्छी बात की कि उर्दू में क्या रखा है, काम होना चाहिए, खवातीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? खवातीन को तो यही मैं कहना चाहूंगी कि अपने घर से बाहर निकले और अपने मकसद और सारे जो है एक जगह हम जमा हों, कश्मीरी हैं सारे, मिल बैठे हैं, और उसके अलावा ये है कि जितने मसाइल हैं, मसले हैं बच्चों के स्कूलों के हैं, उसके अलावा और जो भी विवाह औरतें हैं, उसके अलावा और भी बहुत हैं मसले, उन सबको हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, शायद कोई हल निकल आए। बड़ी अच्छी बात कीजिए कि जब आप एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो हल भी निकलता है, और अभी तो काम शुरू हुआ है, इंशाल्लाह अगली दफा तफसील इंटरव्यू के साथ आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हम चाहेंगे आपसे इजाजत, अपने मेजबान हारून खान को दे दीजिए इजाजत। मुजाहिद बुक डिपो पानियोला, 30 साल से आपकी खिदमत में पेश, मुजाहिद बुक डिपो पानियोला। पानियोला और गिरदनवा के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस की कुतब और यूनिफॉर्म दस्तियाब है। फोटो स्टेट की सहूलत के साथ मुजाहिद बुक डिपो, मेन रोड पानियोला, आज़ाद कश्मीर।